हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं लता और मेरे लता टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं अपने टेरेस गार्डन के इस कॉर्नर को आपको दिखला रही हूँ। इस कॉर्नर में देख सकते हैं, इसमें रेड कलर के और येलो कलर के फ्लावर बंच में खिले हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं। और आज मैं इन्हीं खूबसूरत फूलों के बारे में इनकी जानकारियाँ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस फ्लावर का नाम बतलाती हूँ। इसका नाम है इफोर्बिया मेली फ्लावर और यह एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है। और यह परमानेंट प्लांट होता है और बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे आसानी से लगाया जा सकता है और कुछ केयर टिप्स को अपनाकर इसे आसानी से अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो आज मैं इसे लगाने की विधि और इसकी केयर टिप्स भी आप लोगों को बतलाती हूँ। देखिए ये कितने प्यारे बंच में खिले हुए हैं। और इसकी यह विशेषता होती है कि इसमें एक बार फ्लावर खिल जाते हैं तो ये फ्लावर करीब एक महीने तक ऐसे ही खिले रहते हैं और बिल्कुल फ्रेश नज़र आते हैं। इसमें सालों भर फूल आते रहते हैं और थोड़ी सी हम केयर करके आसानी से सालों भर फूल पा सकते हैं। तो इफोर्बिया का प्लांट एक कैक्टस प्रजाति का प्लांट है और इसका केयर भी उसी की तरह करना पड़ता है। तो आज मैं इसके केयर टिप्स बतलाती हूँ। तो सबसे पहले तो इसे आप इसकी स्टेम कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसकी कटिंग लगाने के लिए इसकी मैच्योर वाली जो स्टीम है उसे कट करके लगा सकते हैं। और कटिंग लगाने का सबसे अच्छा मौसम गर्मियों का मौसम होता है। गर्मी के मौसम में इसकी कटिंग आसानी से लग जाते हैं। और दूसरा, इसे आप नर्सरी से इसके छोटे पौधे लाकर लगा सकते हैं। नर्सरी में इसके पौधे आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी लोकल नर्सरी में ये आसानी से मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी लाकर इसे लगा सकते हैं। अब जब हम नर्सरी से इसके पौधे ले आते हैं तो हमारे पास समस्या रहती है कि हम कैसे कंटेनर का सिलेक्शन करें। तो इसके लिए किसी भी कंटेनर का हम यूज कर सकते हैं, या तो प्लास्टिक पॉट ले सकते हैं या मिट्टी का पॉट या फिर सीमेंट का पॉट। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें ड्रेनेज होल अच्छी हो, क्योंकि ड्रेनेज होल अच्छी होगी तो पानी का निकासी अच्छा होगा। क्योंकि इस प्लांट में अगर पानी का जमाव होने लगेगा इसके गमले में तो प्लांट सड़ने लगता है और प्लांट मर जाता है। इसलिए हमें अच्छे ड्रेनेज होने वाले पॉट का यूज करना चाहिए। दूसरा, इसके लिए मिट्टी कैसी तैयार करनी चाहिए। तो यह प्लांट कैक्टस प्रजाति का है और कैक्टस को बालू वाली मिट्टी बहुत पसंद होती है। तो इसके लिए जब भी हम इसके गमले के लिए जब मिट्टी तैयार करें तो इसमें 50% बालू ले, 25% वर्मी कंपोस्ट ले और 25% गार्डन की मिट्टी ले। इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लें और फिर इसमें प्लांट को लगा सकते हैं। तीसरा, इसे कैसे जगह पर रखें। तो इसे ऐसे जगह पर रखनी चाहिए जहाँ इसे दिन भर की अच्छी सनलाइट मिल सके। इसे सनलाइट बहुत ही पसंद है और अच्छी सनलाइट में प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छे से होती है। इसलिए ऐसे प्लांट को हमें फुल सनलाइट वाले जगह पर रखनी चाहिए। उसके बाद इसमें हमें पानी कब कब डालना चाहिए। तो विंटर वाले सीजन में इसमें पानी सप्ताह में एक बार डालनी चाहिए। गर्मियों में 3 से 4 दिन के अंतराल पर इसमें पानी डाला जा सकता है। और बारिश के मौसम में इसे पानी से बचाकर रखनी पड़ती है, क्योंकि इस प्लांट को अधिक पानी पसंद नहीं है। पानी के कारण ये प्लांट बारिश के दिनों में सड़ने लगता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए इस प्लांट को अच्छी जगह पर रखते जहाँ पर इसे ज़्यादा पानी नहीं मिले। इसके लिए हम शेडी एरिया का यूज कर सकते हैं और ये देख ले कि मिट्टी जब सूख गई हो तभी पानी डालें। तो इन केयर टिप्स को अगर हम अपनाएंगे तो प्लांट का ग्रोथ अच्छा से हो सकता है और हम प्लांट में अच्छी तरह से फूल पा सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें जब फ्लावर खिल जाते हैं उसके बाद कुछ फ्लावर कुछ दिनों के बाद सूखने लगते हैं, तो ऐसे में सूखे हुए फ्लावर को हमें अलग कर देना चाहिए। और देखिए यहाँ पर भी कुछ सूखे हुए फ्लावर हैं, तो ऐसे सूखे फ्लावर को कट के अलग कर देना चाहिए। और प्लांट में देखते रहना चाहिए, कुछ पत्तियाँ अनहेल्दी हो जाती है या फिर पीली हो जाती है तो वैसी पत्तियों को भी काट कर अलग कर देना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है, इसकी जिस स्टेम में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ उग आई हों
तो उस स्टेम की 4-5 पत्तियों को छोड़कर बाकी पत्तियों को कट करके अलग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से उसमें बर्ड ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और फ्लावर फिर ढेर सारे खिलने लगते हैं। तो हम इन केयर टिप्स को अपना कर अच्छे तरह से फ्लावर पा सकते हैं और पौधे को अच्छे तरह से अपने गार्डन में मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।